welcome back to Veda's Wisdom. In our previous videos, we have seen how to prepare Play-Doh and we have introduced different shapes and colors with the help of Play-Doh. Now today, I am going to show you how to prepare Lord Ganesha Murti with the help of Play-Doh. Okay, so you also prepare with me. So shall we start? Okay. तो ये मैंने ऑलरेडी एक ग्रीन कलर का प्लेडो लिया था, उसे मैंने प्रेस किया है सिर्फ ऐसे. ओके, उसके ऊपर मैंने एक स्किन कलर का प्लेडो लिया था सर्कल करके और उसे मैंने रोल किया है लाइक दिस. और अभी मैं ऐसे फोल्ड करके उसे यहाँ पे रख दूँगी और यहाँ पे ऐसे लॉर्ड गणेशा के हम लेग्स बनाएंगे इससे. ओके, लाइक दिस. अभी हम क्या करेंगे, हम धोती बनाएंगे लॉर्ड गणेशा की. ओके, तो ऐसे हम यहाँ पे उसे रख देंगे लाइक दिस. ओके, और इस साइड पे भी, और यहाँ पे स्टिक कर देंगे. बस कुछ नहीं करना है ज़्यादा, और हम इसके ऊपर थोड़ा सा वर्क करेंगे. ओके, तो बस ऐसे ऐसे जैसी धोती होती है बस वैसी ही हम डिज़ाइन इसके ऊपर निकालेंगे. और ये जो पीछे वाला हिस्सा है टूथपिक का, उससे मैं ऐसे सर्कल डॉट डॉट्स बनाऊंगी इसके ऊपर. ओके, लाइक दिस. अभी हम ज्वेलरी भी यहीं पे रख देंगे क्योंकि ऊपर वाला पोर्शन आ जाएगा तब यहाँ पे ज्वेलरी रखना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए अभी हम ज्वेलरी लगाएंगे पैरों में. ओके, तो येलो कलर का मैंने एक सिर्फ सर्कल लिया था छोटा सा, उसे सिर्फ रोल करके यहाँ पर प्रेस कर दिया लाइक दिस. ओके, अभी हम एक स्किन कलर का एक सर्कल लेंगे और उसे यहाँ पे स्टिक कर देंगे. ओके, लाइक दिस. अभी हम थोड़ा सा वाटर हमारे हाथों पे अप्लाई करेंगे और यहाँ से स्टिक कर देंगे लाइक दिस. ओके, वापस थोड़ा सा वाटर अप्लाई करके थोड़ा सा फिनिशिंग देंगे हम स्टमक को, लॉर्ड गणेशा जी के स्टमक को थोड़ा सा फिनिशिंग देंगे. और फिर टूथपिक की सहायता से यहाँ पे हम और यहाँ पे एक होल बना लेंगे ताकि स्टमक लग जाए. अभी हम एक वापस येलो कलर का मैंने एक रोल करके यहाँ पे ऐसे स्टिक कर दिया है. ये भी एक ज्वेलरी है, इसके ऊपर भी हम ऐसे डॉट 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 निकालेंगे. ओके, लाइक दिस. ओके, अभी हम लॉर्ड गणेशा की चेस्ट बनाएंगे. उसके लिए मैंने एक ऐसा शेप लिया है, सर्कल शेप ही है ये. ये मैं इसके ऊपर स्टिक कर दूंगी लाइक दिस. ओके, एंड देन थोड़ा सा हमें इसको फिनिशिंग देना है. ओके, तो ये हमारा और गणपति लॉर्ड गणेशा का चेस्ट भी रेडी हो गया. देन हम हेड लगाएंगे, तो इसके लिए भी मैंने ऐसा एक सर्कल शेप का सर्कल शेप लिया था पिंक कलर का, थोड़ा से छोटा लेते हैं हम. ओके, तो इसे मैं यहाँ पे स्टिक कर दूँगी लाइक दिस. तो वापस मैं थोड़ा सा वाटर अप्लाई करूँगी हाथों पे और इसे यहाँ पे स्टिक कर दूँगी लाइक दिस. अभी ये कुछ ऐसा दिखेगा. अभी हम क्या करेंगे, जो गले की ज्वेलरी होती है नेक ज्वेलरी, वो अभी हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे. ओके, अभी रख देंगे, बाद में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इसीलिए हम अभी रख देते हैं. ओके, अभी इसके ऊपर भी हम थोड़े छोटे छोटे डॉट्स निकालेंगे लाइक दिस. ओके, नाउ अभी हम ईयर्स के लिए लॉर्ड गणेशा के जो कान हैं उसके लिए ऐसे छोटे सर्कल लेंगे, दो, एक यहाँ रख देंगे और एक यहाँ, और उसे सिर्फ प्रेस करेंगे लाइक दिस. ओके, ऐसे प्रेस करेंगे और यहाँ से थोड़ा सा ऐसे शेप देंगे कुछ ऐसा, और यहाँ से भी. तो ये ईयर हमारे रेडी हो गए लॉर्ड गणेशा के.
अभी उसे भी हम थोड़ा सा फिनिशिंग देंगे लाइक दिस टूथपिक की सहायता से। अभी हम ट्रंक लगाएंगे, यहाँ पे ट्रंक स्टिक कर देंगे। इसे भी मैंने एक सर्कल छोटा सा लिया था, उसे रोल किया और सिर्फ टूथपिक की सहायता से यहाँ पे मैंने सिर्फ ऐसे किया था तो ट्रंक का शेप उसे आ गया है। अभी हम ट्रंक यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ओके लाइक दिस। तो सिर्फ आपको स्टिक करनी है यहाँ पे, बहुत इजीली स्टिक हो जाती है ये सारे शेप, बहुत इजीली स्टिक हो जाते हैं। और ये ट्रंक थोड़ी सी ऐसी होती है तो हम उसे थोड़ा सा घुमा देंगे लाइक दिस, ओके। तो ये बन गई हमारी लॉर्ड गणेशा की ट्रंक। अभी इसके ऊपर हम थोड़ा सा फिनिशिंग देंगे लाइक दिस टूथपिक की सहायता से। अभी हमें क्या करनी है, आँखें निकालनी है, ओके। तो यहाँ पे हम आँखें बनाएंगे, टूथपिक की सहायता से ही हम आँखें बनाएंगे, ओके। तो आँखों का आकार देंगे हम टूथपिक की सहायता से ही। ओके, अभी हम ऑलरेडी मैंने ब्लू कलर के छोटे छोटे बॉल्स रेडी रखे हैं तो मैं यहाँ पे उन्हें स्टिक कर दूँगी आँखों में, ओके। और हमारी गणपति बापा की आँखें रेडी हो गई। ओके, अभी हम क्राउन बनाएंगे गणपति बापा के लिए। तो क्राउन बनाने के लिए भी मैंने एक येलो कलर का सर्कल लिया था, उसे रोल किया लाइक दिस और अभी मैं उसे अप्लाई करूँगी ओवर हियर हेड के ऊपर, ओके। तो ऐसे करना है हमें और यहाँ पे प्रेस करना है पीछे से और यहाँ पे मैं उसे थोड़ा सा शेप दूंगी लाइक दिस अभी हम इसे भी थोड़ा सा डिजाइन करेंगे टूथपिक की सहायता से। ओके, और एक ग्रीन कलर का मैंने एक लीफ बनाया है, बहुत इजी है लीफ बनाना भी। सर्कल लो और उसे सिर्फ प्रेस करो लाइक दिस, ओके। तो ये हमारा क्राउन गणपति पापा का रेडी हो गया। अभी हम गणपति पापा के लिए एक टीका लगाएंगे यहाँ पे ऊपर लाइक दिस, ओके। अभी हम थोड़ा सा सजा देंगे गणपति पापा का जो क्राउन है उसे इस ब्लू कलर से। ब्लू कलर के छोटे छोटे बॉल्स मैंने ऑलरेडी रेडी करके रखे हैं, वो सिर्फ यहाँ पे हम स्टिक करेंगे लाइक दिस, ओके। अभी हम हाथ बनाएंगे गणपति पापा के लिए। तो ऑलरेडी मैंने स्किन कलर के सर्कल किए थे और उसे वापस रोल किया लाइक दिस और वो मैं यहाँ पे अभी स्टिक कर दूँगी ओवर हियर। जो गणपति पापा के कान हैं उसी के पास हम उन्हें स्टिक कर देंगे ओके। तो ये जो हाथ है राइट हैंड, वो हमेशा आशीर्वाद देता है, इसलिए हम गणपति पापा आशीर्वाद दे रहे हैं ऐसे दिखाएंगे यहाँ पे। और ये जो हैंड है इसमें लड्डू रहते हैं तो ये हाथ ऐसे करेंगे ओके लाइक दिस, ओके। तो ये हमारे गणपति पापा रेडी हो रहे हैं। अभी हम हाथों की ज्वेलरी भी रेडी करते हैं, सेम वैसे ही हाथों में हम ज्वेलरी स्टिक कर देंगे लाइक दिस। अभी हम टिथ बनाएंगे गणपति पापा के लिए। ये वाइट मैंने प्लेडो लिया है वाइट कलर का और उसे हम सिर्फ टीथ का शेप देंगे, ऐसे करेंगे सिर्फ और वो यहाँ पे स्टिक कर देंगे। और अभी ये गणपति पापा का जो एक दंत हम बोलते हैं गणपति पापा को एक दंत, तो यहाँ पे हम उसे स्टिक कर देंगे। अभी हमारी गणपति पापा के लिए हम मोदक रेडी करेंगे ओके। तो सिर्फ सर्कल शेप बनाया है और उसे हम टूथपिक की सहायता से ऐसे शेप देंगे मोदक वाला,
ओके लाइक दिस। अभी हम वो गणपति बप्पा के हाथों में रख देंगे और यहाँ पे जो एक हाथ है उसे हम थोड़ा सा फिनिशिंग देंगे ताकि वो रियल लगे। ओके तो ये हमारे गणपति बप्पा रेडी हो गए हैं। अभी हम कानों की ज्वेलरी, कानों में जो ज्वेलरी होती है वो स्टिक कर देते हैं यहाँ पे ओवर योर लाइक दिस। और यहाँ पे भी थोड़ा सा हम थोड़ा डेकोरेट करते हैं हमारे गणपति बप्पा को। तो हमारे गणपति बप्पा रेडी हो गए हैं। अभी हम मूषक जी बनाएंगे गणपति बप्पा के लिए। अभी एक वाइट कलर का डो मैंने लिया है सर्कल शेप में, तो सिर्फ हमें क्या करना है उसे थोड़ा सा शेप देना है। मूषक जी हमें बनाने हैं तो ऐसे ऐसे हम करेंगे लाइक दिस। बहुत सिंपल है ये। आगे की तरफ थोड़ा सा उसे पॉइंट निकालेंगे उसे। ओके और बस हो गया हमारी मूषक जी रेडी। यहाँ पे हम टू आईज लगाएंगे, वन ओवर हियर वन ओवर हियर, एंड यहाँ पे जो माउथ है वहाँ पे हम रेड कलर लगाएंगे लाइक दिस। ओके और उनकी टेल बनाएंगे अभी हम। तो टेल के लिए भी हम वाइट डो लेंगे, उसे रोल करेंगे लाइक दिस, वो स्टिक कर देंगे ओवर हियर। तो हमारी मूषक जी भी रेडी हो गए हैं। और लड्डू बनाने के लिए ऐसे रोल रोल करने हैं और लड्डू की प्लेट हम मैंने ऑलरेडी रेडी की है। ये जो पेटल्स की प्लेट मैंने की है तो पेटल्स बनाना भी बहुत इजी है। ऐसे आप रोल कीजिए, उसे प्रेस कीजिए और यहाँ से एक पॉइंट आउट कीजिए यहाँ पे, और ऐसे सारे पेटल्स बना के आप उन्हें स्टिक कर सकते हो जो मैंने किया है यहाँ पे। और उसके ऊपर मैंने एक प्लेट बनाई है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनाई है। सिर्फ रोल करना है, प्रेस करना है बस, और वो उसके ऊपर मैंने रखी है और उसे डेकोरेट किया है विद हेल्प ऑफ टूथपिक। ऐसे मैंने उसको सर्कल 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 किए थे लाइक दिस और उसे प्रेस किया है ऐसे। ओके और वो उसके ऊपर रख दिया और उसमें लड्डू बना के रख दिए। ओके तो ऐसी प्लेट हमने रेडी की है। तो हमारे गणपति बप्पा अभी पूरी तरह से रेडी हो गए हैं। ये लॉर्ड गणेश आए हमारे, ये उनके फेवरेट लड्डू है और ये मूषक जी है जो उनका फेवरेट वाहन है कि नहीं। तो बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। तो आप अपने बच्चों को भी करने के लिए बोलिए आपके साथ। थोड़ा हम आई को फिनिशिंग देंगे। तो हमारे गणपति बप्पा रेडी हो गए। तो ये है हमारे फाइनली रेडी हुए हुए गणपति बप्पा। तो आप भी बनाइए और आपके बच्चों को भी एंजॉय करने दीजिए ये एक्टिविटी। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। ओके गणपति बप्पा बोरिया। ओके बाय एवरीवन।